नमस्कार, आज मुझे आपण मानक देखेबी बिना चाउल मुझे केमती चितो पिठा करी और चितो पिठाटा बहुत बढ़िया नरम अच्छे ये देखिपे आपत के बढ़िया है। चितो पिठा पूरा जाली बेला है आउ एकदम सॉफ्ट अच्छी भितर बहुत स्पंजी लगे बहुत भल लगे खायापी। चलतु वीडियो स्टार्ट करनवा। प्रथम मुझे गोटे ग्राइंडर जार में ये गोटे कप सुजी नहीं सहित मुझे गोटे कप क्षीर नहीं सुजी में आम क्षीर को देदेबा एवं या 15-20 मिनिट छाड़ी दबा जमती कि सुजीटा टिके फुली हो नरम हो। तो ये मुझे आप 10-15 मिनिट पर देखा एवं देखो ये होगला पाखापाखी 15 मिनिट। तो ये देखो सुजी आमर पूरा मानने क्षीर सोख हो सुजी नरम हो फुली जाठी आम यू ग्राइंड करवा मुझे आल्प टिके क्षीर मिसेबी तापर मुझे देदेवि गोटे कप नड़िया कोरा आल्प टिके क्षीर मिसेदी तापर मुझे ये ग्राइंड करदे देखिपे आम ग्राइंडिंग टा बहुत बढ़िया भाव में होमती ही बहलिया रोटा को मुझे गोटे बाउल बाहर कर नौ ये आम सुजी को आम बहुत भल से पूरा प्लेन करके ग्राइंड कर ना मुझे देदे स्वाद अनुसार लुण छोट चमच गोटे लुण देखिक आपदे तापर मुझे एड कर 100 ग्राम खंडे हम गुड़ ये गुड़टा ऑप्शनल अच्छे आप चाहिए ना नदे भी चलो आप प्लेन एमती पिठा तैयारी तो गुड़टा देदे पिठाटा मीठा हम जेहेतु यहाँ सुजी करुच्छी तेणु टी मीठा है यहाँ टेस्टा भल आस तो से मुझे गुड़ देक याटी गुड़टा देदेकि आम या भल भाव आउे फेटी ना गुड़ को भल भाव मिक्स कर ना बाकी यहाँ पूरा तो प्लेन हो जाए और टिके टिके दाना जो देखा सीटा माने नड़ियाटा जो अच्छी सीटा टिके खदड़िया खदड़िया रही जाइए नड़ियाटा भलसे पूरा प्लेन ही नहीं किंतु असुविधा किसी नहीं आम सुजीटा तो बहुत बढ़िया से प्लेन ही जाइए और नड़िया कोरा टिके टिके रहिले पिठार खायापी भल लगे आपड़ चाहिए ये नड़िया कोरा गोलपर नड़िया को जी ग्राइंड न कर देखो एमती नड़िया गुड़ा टिके टिके गोटा गोटा अच्छी युवा खायापी पिठार भल लगे बस ये आम लास्ट आम ये गोटे चामच दबा बेकिंग सोडा जेहेतु आम यू इनस्टांट या तो ये गोटे चामच मुझे दौर बेकिंग सोडा गोटे छोट चामच रे गोटे चामच यटा को देक आउे मुझे भल भाव या फेटी नेबी या भल से आम पूरा मिक्स करवा जमी बेकिंग सोडाटा पूरा भल से मिक्स होबे। चलतु मुझे कड़ई गरम कर अल्प टिके ये तेल मुझे पूरा भल से घसी घसिकी लगे नौ तापर कड़ई गरम होगापे टिके पानी छिंची दबा एवं गैस रो फ्लेम को आम ये सीम करनवा पूरा पानीटा सुखिबा जाए टिके वेट करवा तापर गैस रो फ्लेम को आम सीम रे ही रखिबा आउ पिठार जो आण मु देखो ये तैयारी करके रखी ये एमती चामच रे उठेकी देदेबा ये मन रखिथे गैस रो फ्लेम को आपड़ लो रे ही रखिथे जमा भी गैस रो फ्लेम को बढ़ेबेनी। तो ये मुझे ये कभर करदे जमती कि आमर एयरटा बाहर को बाहर भल कि गोटे प्लेटा को आपड़ कभर करदे 2-3 मिनिट जाए वेट करेंगे देखिए जमी ऊपरटा आपणकर सुखी जाइ कंचा थी तेल आपर कभर करदे चेक करने जमी ऊपरटा पूरा सुखी जाइए देखो आमर केमती पिठाटा फुली जाइए और बहुत बढ़िया भाव में आम ये चितो पिठाटा रेडी एबे आमर ये प्रथम पिठाटा रेडीगला यटा को बाहर कर नौ सेम प्रोसीजर आम आउ गोटे पिठा ये या देखो तेल को भल भाव टे घसी ना तापर ए पानी टिके पकईकिपर आम गैस रो फ्लेम को कम कर ना वेट करवा पाटा सुखा पर्यटन तापर आम ए बेटर को देदे एमती भाव ये कभर कर ना और वेट करवा 2-3 मिनिट तापर चेक कर ना ये देखिपे पिठा आमर बहुत बढ़िया भाव में हो जाऊँच आउ ये पिठाटा उठापी मैंने कड़ेर बहुत सहजरे उठी जा किसी भी ए लगुनि आमती ही बहुत बढ़िया से उठी जाटा करने कि भी असुविधा ना के नरम अच्छे पिठा देखिपे आपठ ए पिठा को आपड़ घर थे निश्चय ट्राए करें केमी लगला मत निश्चय कमेंट द्वारा जनइबे ए पिठा को आपड़ एमती खाली सर्व करें कारण यहाँ मीठा लगे ना तो आपको क्षीर सहित खाईपर आपण को जमी पसंद यामती खाईपर ये मोर सब पिठा रेडी एवं ये देखिपे बहुत बढ़िया पूरा फुली पिठा स्पंजी के जाली जाली होेणु यू देखिकी आप जापर थे पिठाटा के बढ़िया हो आशा करूँ आप वीडियो पसंद आदि वीडियो भल लगे वीडियो को लाइक करेंगे समस्त सांगे सेयार करेंगे और जदि चैनल नुआ अच्छे निश्चय सब्सक्राइब करना ये देखते पिठाटा को मुझे आपको भांगिकी देखा केत बढ़िया नरम अच्छी पिठाटा बाहर कलरटा बहुत बढ़िया आसी भितर बहुत स्पंजी बहुत सॉफ्ट अच्छी
ताले आपण निश्चय घरे आकु थरे ट्राई करिवे। तो वीडियो देखिथिबार बहुत बहुत धन्यवाद। रहिली पुणी देखाबा गोटे नुआ वीडियो रे। नमस्कार।